आरोपी गोरधन झड़फियानी हत्यानु षड्यंत्र रचनार इरफान कोरोना संक्रमित छे। आरोपी इरफान शेखनो कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आव्यो छे। ऑपरेशन में जोड़ायेला पोलीस कर्मचारीओना पण हवे टेस्ट करवामां आवशे। गईकाले एटीएसे इरफाननी धरपकड़ करी हती। तो गईकाले एटीएस द्वारा इरफाननी धरपकड़ करवामां आवी हती। अमदावादथी गोरधन झड़फियानी हत्यानुं षड्यंत्र रचनार आरोपी इरफान कोरोना संक्रमित छे। तेनी धरपकड़ कर्या बाद गईकाले तेनो कोरोना टेस्ट करवामां आव्यो हतो, जेनो रिपोर्ट पॉजिटिव आव्यो छे। ऑपरेशन में जोड़ायेला हवे जे पोलीस कर्मचारीओ छे तेमणा पण टेस्टिंग करवामां आवशे। संवाददाता अनिता पटणी फोन लाइन पर जोड़ाई गया छे। अनिता, शुं छे विगतो? जी संजीवनी, जे प्रकारे अत्यारे हाल जे आरोपी पकड़ायो हतो सासूटर, तेनो कोरोना नो रिपोर्ट कढावता ते अत्यारे हाल पॉजिटिव आयो छे। इस्माइल शेख ने पकड़वा माटे जेटीएस ना उच्च अधिकारी तमाम गया हता, जेमा हिमांशु शुक्ला, दीपेन भद्रण, केके पटेल अने डीपी रोजिया नो पण समावेश थाय छे। चारे चार आरोपीओ तेने पकड़ीने लाव्या हता, परंतु अत्यारे ज्यारे तेओनो रिपोर्ट पॉजिटिव आव्यो छे तो आ अधिकारीओ छे तेओने पण होम क्वारंटाइन करवाने लईने पण कामगीरी हाथ धरवामां आवी रही छे। महत्वनुं छे के सासूटर સાથે અન્ય જે મુખ્ય જે સાફ શૂટર છે તે હજુ ફરાર છે। સલમાન નામનો જે સાફ શૂટર હજુ ફરાર હોવાથી અત્યારે એટીએસ ની ટીમ તેને શોધી રહી છે। સાથે આરોપીનો કોરોના રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવતા તેને પણ 14 દિવસ માટે આઇસોલેટ કરવામાં આવશે અને ત્યારબાદ કોર્ટમાં રજૂ કરીને તેના રિમાન્ડની કામગીરી હાથ ધરાશે। ધન્યવાદ જાણકારી માટે।